सावन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन बस आने को ही है। रक्षाबंधन को लेकर भाई बहनों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर साल रक्षाबंधन का पर्व सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल रक्षाबंधन 11 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार भद्रा होने के कारण 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाए जाने के लिए शुभ समय बन रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर 11 और 12 में से कौन सा दिन भाइयों को राखी बांधने हेतु बहनों के लिए उचित रहेगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सावन मास की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त 2022 को 10:48 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 12 अगस्त 2022 को प्रातः 7:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। 11 अगस्त को सुबह 9:28 से रात 9:14 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, लेकिन ग्रहों की दिशा और दशा के आधार पर ज्योतिष गणना कहती है कि 11 अगस्त को भद्रा काल की छाया रहेगी। दरअसल 11 अगस्त को भद्रा काल सुबह से रात 8:51 तक रहेगा। हिंदू धर्म की मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए भाइयों को राखी ना तो भद्रा काल में बांधी जा सकती है और ना ही रात में। जबकि 12 अगस्त को भी सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस समय भद्रा भी नहीं है और उदया तिथि भी है, इसलिए 12 अगस्त को राखी मनाना अत्यंत शुभ माना जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप 12 अगस्त को राखी बांधने की सोच रहे हैं तो सुबह 7:05 से पहले ही राखी बांध लें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।